दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले। आज मैं आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने अपने देसी डायलॉग सुना सुना के आज पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया है, जिसे सारे यूट्यूब वाइनर एक समय में क्रिटिसाइज करते थे और आज वो उसी को एक अपना बड़ा कॉम्पिटिटर मान रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उनका नाम है अमित भड़ाना, जिनका एक बहुत ही फेमस देसी डायलॉग है जो मैं आपको सुनाऊंगा, गौर फरमाइएगा। मास्टर भी कहते हैं इसे ना पढ़ाना क्योंकि नाम है मेरा अमित भड़ाना। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इनकी पूरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप इस वीडियो को देख कर जरूर मोटिवेट होंगे और अपने जीवन में कुछ नया करने की सोचेंगे। अमित भड़ाना का जन्म 7 सितंबर 1994 को दिल्ली के एक गांव जौहरीपुर में हुआ। अमित की शुरुआती शिक्षा यमुना विहार के एक स्कूल से हुई है। बचपन से ही अमित एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हैं और एक ऐसे बच्चे भी थे जो अपने जोक सुना सुना के अपने फ्रेंड्स और टीचर को हंसाते थे। वो कहते हैं ना कि हर एक स्कूल की क्लास में एक ऐसा बच्चा जरूर होता है जो कि हंसी मजाक बहुत करता है और पूरे क्लास को खुश रखता है। कुछ यूं ही अमित भड़ाना भी थे। स्कूलिंग के बाद उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और फिर वो लॉ की पढ़ाई करने लगे। हाल ही में एक इंटरव्यू में अमित से पूछा गया कि आप इतने अच्छे वाइंस वीडियो मेकर हैं तो आप लॉ की पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। तब अमित ने जवाब दिया, वाइंस वीडियो बनाना मेरा पैशन है पर लॉयर बनना मेरे पापा का सपना है। जी हाँ, वो मुझे लॉयर बनते हुए देखना चाहते हैं और एक बार मैं अपना सपना तोड़ सकता हूँ पर अपने पापा का सपना नहीं तोड़ सकता। एक ने आईफोन मोबाइल खरीदा और उन्होंने एक फनी वीडियो बना के फेसबुक में डाल दिया और जब कुछ दिन बाद वो वापस फेसबुक में लॉग इन हुए तो उन्होंने देखा कि वीडियोज में बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट आए हुए थे। बहुत लोगों ने उन्हें मोटिवेट करते हुए कहा कि तुझे ऐसी और भी वीडियोस बनानी चाहिए। तभी अमित ने अपने दोस्तों के कहने पर कुछ और वीडियोस बना डाली और उन्होंने अपने नाम का एक फेसबुक पेज भी बना दिया और वो वीडियोस उस पेज में डाल दिया और देखते ही देखते उनकी वीडियोस वायरल हो गई और उनकी गुर्जर आवाज की तारीफ भी होने लगी। बॉर्डर फिल्म की एक डबिंग की वीडियो में तो उनके 3 मिलियन व्यूज आ गए पर डबिंग वीडियो से उन्हें संतुष्टि नहीं मिल रही थी और वो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते थे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वाइंस बनाना शुरू कर दिया। बताते चले कि वो शुरुआत में अपने चेहरे को दिखाने में हिचकिचा रहे थे पर उनके दोस्तों के समझाने के बाद उन्होंने वीडियोस बनाना शुरू कर दिया और अपने गुर्जर स्टाइल में वीडियोस बनाकर फेसबुक में डालने लगे। अब उनके आसपास के लोगों को पता चलने लगा तो बहुत लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज भी करा और कहने लगे, तू अपनी लॉ की पढ़ाई में ध्यान दे, फालतू के कामों में मत पढ़। जब काफ़ी लोग उनसे ये बात कहने लगे तो अमित भी सोचने लगे कि लोग सही कह रहे हैं, मेरा इसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है और मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता। एक इंटरव्यू में उनका खुद का ही कहना है कि मैं वीडियोस मोबाइल से एडिट करता हूँ और एक वीडियो एडिटिंग में 10 घंटे लगते हैं और कभी कभार तो पूरी एडिटिंग होने के बाद भी मोबाइल हैंग हो जाता है और मुझे पूरी एडिटिंग फिर से करनी पड़ जाती है। तब मुझे लगता था कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मेरा टाइम इसमें बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रहा है। पर उसी समय उन्हें एक बहुत ही बड़ा फैसला करना था कि वो अपने पैशन को फॉलो करें या पढ़ाई को अहमियत दें। एक दिन जब वो टेंशन में बाहर घूम रहे थे तभी उनका एक फ्रेंड मिला। उनके फ्रेंड ने उसे समझाया कि तू 2 महीने वीडियोस बना, अगर तेरी वीडियोस फेमस हो जाती है तो आधे से ज़्यादा काम तेरे फ्रेंड संभाल लेंगे। तो ये आइडिया अमित को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने अपने काम को शुरू कर दिया और वीडियोस बनाने लगे। बताते चलें कि
अमित स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग और डायलॉग राइटिंग खुद ही करते हैं। देखा जाए तो वो पूरा 90% काम खुद संभालते हैं और साथ ही साथ पढ़ाई भी करते हैं। जैसे जैसे वो फेमस होने लगे, उनकी हर एक वीडियोस में मिलियंस व्यूज आने लगे। उनकी वीडियोस का ट्रेंडिंग में आना उनके डेडिकेशन को दर्शाता है। उनका ये डेडिकेशन ही था जिससे वो आज इतने फेमस हैं। उनका एक और सबसे फेमस डायलॉग है जो मैं आपको सुनाऊंगा, गौर फरमाइएगा। तेरे भाई ने कर दी है जिम शुरू, जिसको चाहूं उसको लपेट लूं। और आज ये डायलॉग लगभग हर एक जिम लवर के मुंह में है। जहां एक और गुर्जरी भाषा को लोग एक गंवारों की भाषा कह रहे थे, उसी भाषा से अमित पॉपुलर होते जा रहे हैं और पूरे सोशल मीडिया में अपनी छाप छोड़ते जा रहे हैं। आज तकरीबन हर एक वाइनर उन्हें एक अपना तगड़ा कॉम्पिटिटर मान रहा है, और जो उन्हें उनके काम के लिए क्रिटिसाइज करते थे, आज वो उन्हें सलाम ठोक रहे हैं। तो ये थी हमारे अमित भड़ाना द ग्रेट वाइनर मेकर की कहानी, और हम इनकी पैशन और डेडिकेशन के लिए इन्हें दिल से सलाम करते हैं, और हम दुआ करते हैं कि वो आगे और भी तरक्की करें और ऐसे ही हमें हंसाते रहें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मेरी मेहनत इस वीडियो में जरा सी भी दिखी हो तो मुझे सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्त पड़ोस फैमिली वालों को वीडियो शेयर जरूर करें, और वीडियो लाइक करना ना भूलें। इन्हीं सबसे मुझे मोटिवेशन मिलती है नई नई वीडियोज़ बनाने का। जय हिंद।